नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जय शर्मा और आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि जब भी हम रिटर्न टू इनवॉइस ऐड कराते हैं अपनी पॉलिसी में तो हमें कितना पैसा मिलेगा। कई बार हमारे चैनल पे भी YouTube चैनल पे भी कई बार ऐसे कमेंट्स आते हैं कि RTI में कितना पैसा मिलेगा, या फिर कई बार हमारे पास कस्टमर का भी कॉल आते हैं कि अगर RTI है हमारी पॉलिसी में तो हमें कितना पैसा मिलेगा। तो बात करेंगे इसी के बारे में। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि जो वीडियो हम आपके लिए लाते हैं इस तरह की उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि जब भी हम पॉलिसी में RTI ऐड करते हैं, चाहे वो टू व्हीलर की पॉलिसी हो, चाहे फोर व्हीलर की पॉलिसी हो, कमर्शियल व्हीकल हो, कोई भी पॉलिसी हो, अगर आप अपनी पॉलिसी में रिटर्न टू इनवॉइस ऐड करा रहे हैं। रिटर्न टू इनवॉइस वो ऐड ऑन होता है जब आप जीरो डेप पॉलिसी लेते हैं, तो जीरो डेप के साथ उस ऐड ऑन को आप ऐड करा सकते हैं। आप जब भी गाड़ी का इंश्योरेंस, आप नई गाड़ी ले रहे हैं तब भी करा सकते हैं, आप पुरानी गाड़ी ले रहे हैं तब भी करा सकते हैं, और आपकी जो पॉलिसी चल रही है पुरानी वाली उसमें भी कंटिन्यू उस कवर को आप ऐड कर सकते हैं। तो अब सवाल आता है कि भाई जब हम पॉलिसी लेते हैं, ऐड ऑन करा लेते हैं, तो ऐड ऑन कराने के बाद हमें कितना पैसा मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ कंडीशन रहती हैं, और कंडीशन रहती हैं कंपनियों के हिसाब से कि कंपनी जो RTI आपको ऑफ़र कर रहे हैं उनके ऐड ऑन में वो RTI क्या ऑफ़र कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो ऑप्शन होता है उनके पास वो होता है एक्स शोरूम प्राइस। दोस्तों बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जो रिटर्न टू इनवॉइस में आपको जो वैल्यू प्रोवाइड करती हैं वो प्रोवाइड करती हैं एक्स शोरूम प्राइस की। दोस्तों जब भी एक्स शोरूम प्राइस की बात आती है तो अगर आपकी गाड़ी चोरी होती है, क्योंकि RTI में आपको चोरी होने पर, आग लगने पर और टोटल लॉस होने पर ही आपको पैसा मिलता है, तो अगर आप RTI ऐड कर रहे हैं तो IDV वैल्यू आपकी कितनी है उसे भूल जाइए। आप जो भी पैसा आपको मिलेगा फिर वो मिलेगा आपको रिटर्न टू इनवॉइस के हिसाब से। अब रिटर्न टू इनवॉइस में जो पहला मैंने आपको ऑप्शन बताया कि एक्स शोरूम प्राइस, अगर वहाँ पर मेंशन है एक्स शोरूम प्राइस, अब ये कहाँ मेंशन होगा? ये हो सकता है कि आपकी पॉलिसी में मेंशन हो सकता है कि जो पॉलिसी का डॉक्यूमेंट, जो ब्रोशर होते हैं ऑनलाइन, वहाँ अवेलेबल हो सकता है कि कंपनी की वेबसाइट पर, जो भी कंपनी मान लीजिए रिलायंस है, कोटक है, टाटा है, नेशनल इंश्योरेंस है, इनकी वेबसाइट पर हो सकता है अवेलेबल हो, और हो सकता है कि अवेलेबल आपको वहाँ ऑनलाइन ना मिले, आप अपने एजेंट से बात कर सकते हैं या फिर जिस ब्रांच से आप पॉलिसी ले रहे हैं वहाँ पर भी आप पूछ सकते हैं। तो जब भी आप RTI ऐड कराते हैं तो पहला ऑप्शन क्या आता है एक्स शोरूम प्राइस का। अगर आपकी पॉलिसी में या आपके ऐड ऑन में ये मेंशन है कि आपको एक्स शोरूम प्राइस ही कंपनी पे करेगी, तो फिर अगर आपकी गाड़ी चोरी होगी, आग लगेगी या फिर टोटल लॉस होगी, तो कंपनी आपकी गाड़ी के बदले में एक्स शोरूम प्राइस का अमाउंट आपको पे कर देगी। मान लीजिए आपका एक्स शोरूम प्राइस था 9 लाख रुपये, लेकिन ऑनरोड वैल्यू थी आपकी गाड़ी की 11.5 से 12 लाख रुपये, तो कंपनी वहाँ पर आपको 9 लाख रुपये पे कर देगी। कंपनी आपको IDV के हिसाब से पे नहीं करेगी। IDV बेशक उसके 8 लाख हो, 7 लाख हो, 6 लाख हो, उससे कोई मतलब नहीं है, कंपनी आपको एक्स शोरूम प्राइस वहाँ पर पे कर देगी। अब जो दूसरा ऑप्शन आता है वो आता है विद रजिस्ट्रेशन चार्जेस। कंपनी एक्स शोरूम के साथ में रजिस्ट्रेशन चार्जेस भी साथ में पे करेगी। तो ये ऑप्शन जब आप पॉलिसी लेते हैं, तो जैसे आप मान लीजिए रॉयल सुंदरम की पॉलिसी लेते हैं, तो रॉयल सुंदरम की पॉलिसी लेते वक्त वहाँ पर ऑप्शन आते हैं, आप एक्स शोरूम लेना चाहते हैं या फिर आप विद रजिस्ट्रेशन चार्जेस लेना चाहते हैं, तो उस कंडीशन में क्या होगा, आपका प्रीमियम थोड़ा सा बढ़ जाएगा, लेकिन अब आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो आपको कार चोरी होने पर, गाड़ी में आग लगने पर या फिर टोटल लॉस होने पर जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी विद रजिस्ट्रेशन चार्जेस। अब मान लीजिए आपकी एक्स शोरूम वैल्यू 9 लाख रुपए है और रजिस्ट्रेशन चार्जेस लगाने के बाद आपकी गाड़ी की वैल्यू बन जाती है 11 लाख रुपए, तो वहाँ पर फिर आपका 11 लाख रुपए कंपनी आपको पे करेगी अगर आप विद रजिस्ट्रेशन चार्जेस का अमाउंट पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं तीसरा ऑप्शन होता है आपका एक्स शोरूम प्लस आपका रजिस्ट्रेशन चार्जेस प्लस उसमें आपका जो इंश्योरेंस अमाउंट है, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑन रोड प्राइस, क्योंकि ऑन रोड प्राइस में आपका रजिस्ट्रेशन चार्ज भी आ गया, आपका इंश्योरेंस अमाउंट भी आ गया, तो जो भी ऑन रोड प्राइस होगा, जितने की आपने गाड़ी खरीदी है, तो फिर कंपनी आपको उतना अमाउंट पे करेगी। तो पहला ऑप्शन एक्स शोरूम का, दूसरा ऑप्शन विद रजिस्ट्रेशन चार्जेस, तीसरा ऑप्शन विद रजिस्ट्रेशन चार्जेस और विद इंश्योरेंस अमाउंट, या फिर आप कह सकते हैं कि ऑन रोड प्राइस। अगर ऑन रोड प्राइस मेंशन होगा तो कंपनी आपको टोटल अमाउंट, जितने की आपने गाड़ी परचेस की है, जितना आपका इनवॉइस अमाउंट है, उतना कंपनी आपको अमाउंट पे करेगी। मान लीजिए आपकी गाड़ी ऑन रोड आपके पड़ी 11.5 लाख रुपये, अब गाड़ी आपकी चोरी हो गई या फिर आग लग गई या फिर टोटल लॉस हो गई, तो कंपनी आपको पूरा का पूरा 11.5 लाख रुपये वहाँ पर आपको पे करेगी। अब बात करते हैं क्या ऐसा ज़रूरी है कि हर कंपनी में आपको ये करना पड़ेगा,
नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। बहुत सारी कंपनियां, जैसे मान लीजिए टाटा AIG है, HDFC अर्गो है, लिबर्टी इंश्योरेंस है, बहुत सारी कंपनियां, या फिर आप मान के चलिए मैक्सिमम कंपनीज आपको ऑन रोड प्राइस ही ऑफर करती हैं। जैसे अब मान लीजिए रॉयल सुंदरम है, रॉयल सुंदरम पहले ऑफर करती थी, जब भी आप पॉलिसी बनवाते थे तो आपका एक अमाउंट वहाँ पर मेंशन कर देती थी कि वहाँ पर ना तो ऑन रोड मिलता था और ना एक्चुअल रूम मिलता था। मान लीजिए एक्चुअल रूम 9 लाख है और ऑन रोड 12 लाख है, तो वो आपका समवेयर 10:30-11 के आसपास का वो एक अमाउंट उनके हिसाब से, जो भी उनका टर्म एंड कंडीशन थी उस हिसाब से वो आपकी पॉलिसी में मेंशन कर देती थी, और क्लेम होने के टाइम पर वो अमाउंट आपको कंपनी पे करती थी। तो ये तो मैंने बात करी रॉयल सुंदरम की। लेकिन जैसे टाटा है, वहाँ बाय डिफॉल्ट आपको ऑन रोड प्राइस मिलता है, HDFC में आपको ऑन रोड प्राइस मिल रहा है, लिबर्टी में आपको ऑन रोड प्राइस मिल रहा है, फ्यूचर जनरली में आपको ऑन रोड प्राइस मिल रहा है। लेकिन कई कंपनियों में, जैसे सरकारी कंपनियां, गवर्नमेंट कंपनियां, वहां पर आपको ऑन रोड प्राइस नहीं मिलता। तो जब भी आप पॉलिसी लेते हैं, आप पॉलिसी जब करा रहे हैं, आप नई गाड़ी की पॉलिसी ले रहे हैं, आप पुरानी गाड़ी आपने परचेस की है, 2 साल 3 साल या 4 साल पुरानी गाड़ी आप ले रहे हैं, तो वहाँ पर आप RTA ले सकते हैं। या फिर मान लीजिए आपने 2 साल पहले नई गाड़ी खरीदी थी, उस पॉलिसी को आप कंटिन्यू रिन्यू कर रहे हैं, चाहे सेम कंपनी में चाहे फिर अदर कंपनी में, तो भी आप ले सकते हैं। लेकिन आपको मेन क्या चेक करना है कि जिस कंपनी से आप रिटर्न टू इनवॉइस ऐड कर रहे हैं, जिस कंपनी से आप 0 डे पॉलिसी ले रहे हैं, RTI ऐड कर रहे हैं, उस पॉलिसी की टर्म एंड कंडीशन जरूर पढ़ लें, उसकी वेबसाइट पर जाकर चेक कर लें, अपने एजेंट से बात कर लें कि भाई अगर मेरी गाड़ी चोरी होगी तो इस कंपनी से रिटर्न टू इनवॉइस में क्या वैल्यू कंपनी प्रोवाइड करेगी। ये सारी चीज़ें कंपनी की वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, उनकी पॉलिसी वर्डिंग आप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि कितनी वैल्यू आपको कंपनी प्रोवाइड कर लेगी। ऐसा ना हो कि पॉलिसी आप ले लें, आपने मान लीजिए फ्यूचर जर्नली से ले लिया, एक एग्जाम्पल के लिए, क्योंकि फ्यूचर तो पूरा ऑन रोड देती है, मान लीजिए फ्यूचर से ले लिया, फिर किसी और कंपनी यूनिवर्सल सोमपो से आपने ले लिया, और आपको लगा भाई मेरी पॉलिसी में RTA ऐड है, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, अब तो ऑन रोड प्राइस मुझे मिल जाएगा, गाड़ी चोरी होगी, आग लगेगी, टोटल लॉस में पूरा अमाउंट में मिल जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर वहाँ पर मेंशन हुआ कि आपको एक्शोरूम मिलेगा, तो फिर आप कुछ भी कर लीजिए, आपको एक्शोरूम प्राइस ही मिलेगा, आपको ऑन रोड प्राइस वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो ये हमेशा ध्यान रखें कि जब भी पॉलिसी लें, हमेशा चेक करें, अपने एजेंट से बात करें, ऑनलाइन चेक करें, कंपनी की वेबसाइट पर चेक करें, और उसका पॉलिसी वर्डिंग या फिर उसका ब्रोशर निकाल कर ब्रोशर डाउनलोड करें, पॉलिसी वर्डिंग डाउनलोड करें और उसको ठीक से पढ़ें, तभी आपको वहां से पूरी जानकारी मिल पाएगी। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो आज का रिटर्न टू इनवॉइस को लेकर, कि आपको कितना अमाउंट मिलता है अगर आप RTA अपनी पॉलिसी में ऐड करते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा आपको वीडियो हमें जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आपको लगता है कि वीडियो हेल्पफुल है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद।